प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं मैम नहीं, इसमें मेरे फ्रेंड्स की कोई गलती नहीं है, इस गलती के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैम आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मेरे फ्रेंड्स को नहीं। मैम प्लीज। देखिए मैडम, मैं वादा करता हूँ ये सारे पैसे मैं शाम तक स्कूल में जमा कर दूंगा। उसके साथ मुझे माफी पत्र भी लिखकर चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, वरना मैं टप्पू को स्कूल में बैठने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, वो मैं पत्र भी दे दूंगा मैडम। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मैंने अभी टप्पू के पापा को फोन किया था, कह रहे थे स्कूल में गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? वो तो नहीं पता, लेकिन टप्पू के पापा बहुत गुस्से में और टेंशन में थे। अचानक क्या हुआ होगा? डोंट वरी, वो लोग साथ में है ना, कुछ नहीं होगा। वो लोग अभी आते होंगे, टेंशन लेने से क्या फायदा, उनके आते ही सब पता चल जाएगा। टेंशन मुझे बहुत हो रहा है। टप्पू कहाँ थे वो लोग? वो लोग हम लोग को यहीं पर मिले थे और मैंने यहीं पर उन लोग को पैसे भी दिए थे। हाँ अंकल, यही थे वो लोग। हाँ यहीं पे थे, यहीं पे खड़े थे, तो वो भी कहाँ गए वो लोग? अब पिड़ू, और तू भी कमाल की बात करता है भाई, और कोई 33,500 रुपया लेके यहाँ खड़ा थोड़ी ना रहेगा। सही बात है। अरे वो भेल वाला। हाथी भाई, अभी ऐसे टाइम पे आपको भेल खाने का सोच रहा है? अरे नहीं नहीं, खानी नहीं है, उससे पूछते हैं कि शायद उसने उन चीटरों को देखा होगा। चलो हाँ चलिए। अरे भेल वाले भाई साहब। हाँ साहब, कौन सा भेल बनाऊं? सूखा भेल, गीला भेल, मद्रासी भेल, चाइनीज भेल? नहीं नहीं, भेल नहीं खानी है अभी, उसके लिए बाद में आएंगे कभी, फिलहाल तो। फिलहाल तो हम क्या पूछना था, मैं तो ये सब देख के भूल ही गया। हाथी भाई आप रहने दो। अरे भाई साहब, आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसी अंधे लोगों को मदद मांगते हुए देखा था? अरे भाई साहब, यहाँ तो रोड और भिखारी जुआरी गर्दुल्ले घूमते रहते हैं मदद मांगने के लिए, अब हम उनका ध्यान रखने बैठेंगे तो धंधा कब करेंगे? अंकल वो लोग यहीं पर खड़े थे, वो आंटी ने से ब्लैक चश्मे पहने थे अंकल भी, और वो आंटी ने ना साड़ी पहनी नहीं मालूम है उसका कुछ। चलो बिगर। चलिए आदि भाई। हाँ।
पापा मुझे तो बहुत टेंशन हो गया था। क्या हुआ टेंशन? पता ही तो सही स्कूल में क्या टेंशन हुआ। और अपने फोन भी अचानक बंद कर दिया। पता ही नहीं क्यों फोन बंद किया। क्या हुआ क्या? पूछ अपने लाडले से क्या गुल खिलाया इसने। अच्छी ये वड़ो दानवीर। अहो बताइए ना क्या हुआ। माधवी ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। हम लोग स्कूल में पहुंचे तो पता चला के ये सब हुआ है। और गोली तुम लोगों ने भी रोका नहीं होगा ना टप्पू को? नहीं मम्मी। वेरी गुड। मतलब मम्मी हम लोग सभी ने टप्पू को मना किया था लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। अरे अरे इसने आज तक किसी की बात मानी है जो तुम लोग की बात मानता? क्या मनता था तीसाना दादा बड़ी तरीका मा। लेकिन रोशन टूटू बच्चों को स्कूल तक छोड़ने गया था ना? हाँ रोशन पर स्कूल से एक मोड़ पहले ही वो गड्डी पंचर हो गई यार। गड्डी छोड़ के बच्चों को स्कूल तक तो छोड़ के आता ना? हाँ सॉरी भाई। तो सुनिए मैंने तो बच्चों को बहुत कहा पर ये तो जिद ही पकड़ के बैठ गए और कहने लगे वो हमारे और भी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद ही ये कांड हो गया। लेकिन सोडी अगर तू बच्चों को स्कूल के गेट तक छोड़ के आया होता ना तो ये हादसा कभी नहीं होता। हाथीपुरा कमाल करते हो यार। मैंने थोड़ी ना पता था कि वहाँ पे ये हादसा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं आती है भाई इसमें सोडी की कोई गलती नहीं है। ये मेरा ही सिक्का खोटा है। लेकिन टप्पू के पापा टप्पू ने जिनको पैसे दिया उनको रिक्वेस्ट करनी थी ना तो वो लोग पैसे वापस दे देते हैं। तुझे क्या लगता है टप्पू ने जिनको पैसे दिए वो लोग 1950 से वहाँ दुकान खोल के बैठे हैं? बाप दादा की पेटी है उनकी कि मैं वहाँ जाता तो वो लोग मुझे वहीं बैठे मिलते। नहीं भाभी स्कूल के बाद हम लोग वहीं गए थे लेकिन वहाँ पे कोई नहीं मिला। भाई मतलब वो लोग चीटर भी हो सकते हैं? हो सकते हैं माधवी वो चीटर ही थे और ऐसी चीटर मुंबई में कई जगह जगह घूमते रहते हैं। सही बात। देखो हाथी भाई को ही मालूम है लेकिन ये टप्पू माशे को नहीं मालूम। देख तेरी बेवकूफी कितनी महंगी पड़ रही है। अबे मुंह लटका क्या खड़ा है 33,500 कहां से देंगे स्कूल में? मैं मेरे पॉकेट मनी से दे दूंगा। रही जादे तुझे क्या लाखों रुपए पॉकेट मनी मिलते हैं जो पॉकेट मनी में से दे देगा? अभी मुंह लटका क्या खड़ा है यहाँ मेरी कमर अकड़ गई है। टप्पू के पापा लेकिन इस स्कूल में पैसे तो देने पड़ेंगे ना? देख ना इतने सारे रुपए वापस जमा करने पड़ेंगे। आए तक है इस टप्पू की गलती की वजह से हम सबको नुकसान भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं भिड़े ये सारी गलती टप्पू की है तो स्कूल में जो भी पैसे भरने हैं वो मैं अकेला भरूंगा। आखिर मेरे बेटे की बेवकूफी की सजा तो मुझे ही भुगतनी चाहिए ना। तुम लोग क्यों भुगतो? पापा मैं सच कह रहा हूँ वो लोग चीटर नहीं थे। वो लोग सचमुच में जरूरतमंद और मजबूर थे। पापा बोलो ये साधु महात्मा अभी भी उनकी पिपुड़ी बजा रहे। लेकिन पापा चुप रहे नहीं तो सोनू आज से बल्कि अभी से तुम टप्पू से या टप्पू सेना में से किसी से भी बात नहीं करोगी। कर लो। बराबर है भीड़। मैं तो कहता हूं यह टप्पू सेना आज से बर्खास्त बर्खास्त बर्खास्त। अरे टप्पू के पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे कैसे शांत हो जाऊं दया। ये टप्पू की बेवकूफी की वजह से वो भूकंप के झटके होते हैं ना वैसा झटके मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहा तो मेरा सर फट जाएगा। टप्पू के पापा सुनिए। अरे सुनिए ना। चल सुनो चल माधवी। बोली चलो चलो। अब तुझे क्या अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा? चल रोशन सुनिए मैं गड्डी खड़ी करके आता हूँ। मैं
मैं सही हूँ या गलत, इस बात को अब मुझे अकेले ही साबित करना होगा, चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने उन अंधजनों को नहीं ढूंढ के निकाला और मेरे माथे पर लगे कलम को नहीं मिटाया तो मेरा नाम भी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा नहीं। वो ऐसी गलती कर सकता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। कैसे यकीन होगा माधवी, कैसे यकीन होगा? टप्पू हमेशा ऐसे ही कुछ करता है जिसमें किसी को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वो टप्पू है ना। मुझे नहीं पता वो लोग अंधे थे कि नहीं, लेकिन टप्पू ने आज एक बात साबित कर दी कि वो दिमाग का अंधा जरूर है। काय बोलता है तुम्ही? अरे बरोबर बोलते है मी। माधवी 33,500 रुपए छोटी रकम नहीं होती, अब भरेगा जेठालाल क्या करेगा? आखिर बच्चों के गलती के साथ माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। और सोनू तू भी कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू टप्पू के साथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। कल्ला भी काय विचारता है, उत्तर दे। हो बाबा। घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर पे, कल्ला। हो बाबा। और टप्पू के साथ खेलना वेलना मिलना जुलना बिल्कुल बंद, मंजे बंद, कल्ला की नहीं। अहो हड़ू हड़ू जरा। अरे काय हड़ू जरा माधवी, काय हड़ू? वहां स्कूल में देखना चाहिए था, वो प्रिंसिपल मैडम हम सबको इससे भी ऊंची आवाज में डांट रही थी। आज एक शिक्षक को प्रिंसिपल के सामने आरोपी की तरह खड़ा रहना पड़ा टप्पू की वजह से। अब लोग तो मुझे ही ताना मारेंगे कि आप क्या सिखाते हो बच्चों को, सोचे समझे बगैर कुछ भी करो। डोका तापले मदर डोक। सॉरी बाबा। अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है गोली, तुम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई। और गोली जब टप्पू अनजान आदमी को पैसे दे रहा था तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना। पापा मैंने टप्पू को मना किया था, मैंने उसे रोका था, पर उसने जो जरूरतमंद को मदद करने का लॉजिक दिया था वो मुझे भी सही लगा। और सच कहूँ ना पापा, तो मैं उन अनजनों की बातें सुनकर इमोशनल और कंफ्यूज हो गया। गुली बेटा ऐसे वक्त पे इमोशनल नहीं होते हैं, बल्कि दिल को मजबूत करके दिमाग से सोचते हैं। देखो बेटा मेरे पास भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो गरीब बन के आते हैं और मैं इमोशनल होके उन्हें मुफ्त में दवाइयां दे देता हूँ, बाद में पता चलता है वो चीटर है, मुझसे ली हुई दवाइयां वो बाहर जाके बेच देते हैं। तो पापा इसका मतलब हमारी तरह आप भी इमोशनल होकर बेवकूफ बनते हो? गोली ये मजाक करने का वक्त नहीं है, तुम लोगों से जो गलती हुई है ना उस बात को हम लोग समझा रहे, प्लीज समझो। हाँ हाँ मम्मी गलती तो हुई है, सॉरी। कहाँ जा रहे हो? टप्पू अकेला होगा ना, उसे मिलने जा रहा हूँ। गोली अभी भी तुम्हें टप्पू से मिलना है? खबरदार जो घर से बाहर निकले, जाओ किचन में, नहीं बेडरूम में जाओ, कपड़े चेंज करो। एंडरसन गोली, हमारे परमिशन के बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। ओके ओके। पढ़ाई करो थोड़ा। कैसे हो सकता है, उन लोगों को किसी ने भी नहीं देखा, तो कहाँ गायब हो गए? अंकल 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 अंकल, आपने वहाँ पर कोई अंकल आंटी को देखा जिसने ब्लैक चश्मा पहने थे, आंटी ने साड़ी पहनी थी और अंकल अंकल ने फॉर्मल हाँ कपड़े पहने थे, आपने देखा अंकल? हाँ हाँ मैंने उनको देखा था। हाँ कहाँ पर, कहाँ पर? वो लोग शायद उस तरफ गए थे। यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। लगता है अपनी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए आस पास के कोई हॉस्पिटल में गए होंगे, मुझे वहीं से कोई क्लू मिल सकती है। यहाँ भी कुछ पता नहीं चला।
भाई साहब दो लींबू पानी में ना। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। टप्पू के साथ जबरदस्त धोखा हुआ है। जिसने इतने इन समझ के टप्पू ने मदद की वो तो चीटर, धोखेबाज निकले। टप्पू हार गया। आज के जमाने में समझ भी नहीं आता किस पे यकीन किया जाए, किस पे नहीं, किस पे भरोसा रखें, किस पे नहीं। इस दिखावे के दौर में पता ही नहीं चलता कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। जो आदमी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आम आदमी भी देखिए ना, जिसे ईमानदार समझ के जिस नेता को वोट देता है, बाद में वो करप्शन में लिप्त पाया जाता है। किस पे विश्वास किया जाए साहब? चारों तरफ अविश्वास का अंधकार छाया हुआ है। लेकिन अभी सवाल यह है कि क्या टप्पू ने जिसकी मदद नेत्रहीन समझ के कर दी वो चीटर क्या पकड़ा जाएगा? क्या टप्पू अपनी रकम वापस ले पाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।